हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का राधा कृष्णा डिवोटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने राधा रानी के लिए एक सुंदर सी साड़ी बनाएंगे। तो मेरी थोड़ी साड़ी तो बन चुकी है, मैं आपको बता दूंगी ये मैंने कैसे बनाई है। ये हमारी राधा रानी जो हैं 11 या 12 इंच की हमारी राधा रानी है, तो उनकी नाप की मैंने ये साड़ी बनाई है। मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि मैंने कितना कितना कपड़ा लिया है। देखिए, हमने 2 कपड़े लिए हैं। इस कपड़े की हमने ये प्लेट्स बनाई हैं और इस कपड़े का हमने पल्ला बनाया है। तो हमने जो दोनों कपड़े लेने हैं हमें, जैसे एक ये ग्रीन वाला कपड़ा हो गया और ये प्रिंट वाला कपड़ा हो गया, तो ये दोनों हमें बिल्कुल बराबर बराबर लेने हैं। अब जैसे मेरी राधा रानी की जो लंबाई है कमर से पैरों तक की, तो वो 7 इंच लगभग है। तो मैंने ये 7 इंच लंबाई का और सॉरी 7 इंच ये हाँ 7 इंच लंबाई का और 28 इंच चौड़ा मैंने ये कपड़ा लिया है। ये दोनों पीस हमें बिल्कुल बराबर लेने हैं। ये जितना हमने ये ले लिया है उतना ही हमें ये लेना है। अब आपकी अगर राधा रानी बड़ी हैं तो आप उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, या अगर आपकी राधा रानी छोटी हैं तो उसकी लंबाई कम कर सकते हैं और उसकी चौड़ाई जो है ये भी आप कम कर सकते हैं थोड़ी। अब देखिए हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले हमने ये जो ये वाला फैब्रिक लिया है तो उसको यहाँ से सिलाई लगा दी है जिससे हमारे धागे ना निकले। फिर हमने नीचे भी फोल्ड कर दिया था और उसके बाद इस पे ये लेस लगा दी थी। ऐसे ही हमने जैसे साड़ी का पल्ला होता है उसमें 3 साइड में लेस होती है, तो हमने 3 साइड में इसके लेस लगा दी है तीन तरफ। और उसके बाद हमें क्या करना है, 3 तरफ लेस लगाने के बाद ये हमें जिसके हमें घूम बनाने हैं जिस भी कपड़े के, तो उसके हमें घूम बना देने हैं। ये इसमें थोड़े घूम, जैसे लहंगे में थोड़ी दूर दूर घूम पड़ जाते हैं लेकिन साड़ी में पास पास होते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी साड़ी बांधते हैं वैसे ही इनकी बनानी है। तो इसमें हमने बिल्कुल पास पास घूम डाले हैं, थोड़ा सा पार्ट छोड़ के फिर उसके बाद घूम डाले हैं। और उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा इधर की साइड छोड़ा है। घूम डालने के बाद इसको हमने जॉइन कर देना है। जो ये वाला हमारा कपड़ा था जिसका हमें पल्ला बनाना है, उसको हमने नीचे से रख के ऊपर की तरफ हम जॉइन कर देंगे। और हमें थोड़ा सा कपड़ा जो है ये ऊपर हमारा ये बचा रहना चाहिए। ये हमने इसलिए बचाया है क्योंकि इसमें हम डोरी डालेंगे जो कि राधा जी की कमर पर बांधी जाएगी, जिससे ये साड़ी हमारी बन जाए। अब हम इसमें ये भी देखिए हमने ये यहाँ से यहाँ तक अटैच कर दिया है। अगर आपका, क्योंकि हमने बराबर का कपड़ा लिया था बिल्कुल, अब हम इस वाले जो पल्ला बनाया है हमने तो उसको हमने दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ है, तो इसलिए हमारा ये यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है, तो हमें छोटा ही रहने देना है इसको। और इस वाले पार्ट में हमने केवल एक तरफ मोड़ा है, एक तरफ हमारा ये खुला हुआ है अभी, तो इसलिए ये थोड़ा लंबा है इससे। अब इस वाले पार्ट में जिसमें ये देखिए धागे दिख रहे हैं, तो उसमें हम पट्टी लगा के इसको सिक्योर कर देंगे और इसके अंदर एक डोरी डाल देंगे बांधने के लिए। देखिए हमने इसमें ये पट्टी लगा दी है और ये बांधने के लिए हमने ये डोरी लगा दी। अब हमारे ये धागे बिल्कुल निकल नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से हमारी साड़ी सिक्योर हो गई है। अब हम इसको दिखाते हैं कि किस तरीके से पहनाई जा सकती है। ये इस तरीके से हम राधा जी की कमर पर इसको बांधेंगे और ये जो पल्ला है हम उसको उनके कंधे पे डाल देंगे। अभी हमारी साड़ी कंप्लीट हो गई है। इस पल्ले को आप सीधे पल्ले की तरह भी डाल सकते हैं और उल्टे पल्ले की तरह से भी डाल सकते हैं। ये आपकी लहंगा साड़ी जैसे होती है उस तरह से भी ये काम करेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।